बेकरीपुर नाम का एक गांव था जहाँ के ज्यादातर लोग बेकरी आइटम जैसे बिस्कुट, पेस्ट्री, रस्क, बंद, वड़ा पाव, केक वगैरह बनाने का काम करते थे। गांव आर्थिक रूप से समृद्ध था और गांव का कोई भी आदमी बहुत गरीब नहीं था, लेकिन फिर भी गांव के लोग परेशान और चिड़चिड़े रहते थे। इसका कारण ये था कि गांव का कोई भी व्यक्ति गांव के बाहर किसी भी तरह की दावत खाने नहीं जा सकता था। अरे पप्पू, तुम्हारे साले की शादी हो गई या नहीं? हाँ भाई दीनदयाल, मेरे साले की शादी हो गई। मैं अपने बड़े साले की शादी में नहीं जा पाया था और ना अब छोटे साले की शादी में जा पाया। तुम अपने साले की शादी में नहीं जा पाए और मैं अपनी साली की शादी में नहीं जा पाया। लोग अपनी जिंदगी में न जाने कितनी कितनी दूर की दावत में जाते हैं और इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना हो जाता है। हम लोग आज तक गांव के बाहर एक दावत में ना जा सके, भला हम लोगों से ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? पता नहीं कब हमें उस चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा। बेकरीपुर गांव में एक चुड़ैल का आतंक था जो उन लोगों को अपना शिकार बनाती थी जो गांव के बाहर से दावत खाकर आते थे। पप्पू का एक लड़का था आशीष। पापा, आप बड़े मामा की शादी में मुझे लेकर नहीं गए और ना छोटे मामा की शादी में। आज वीर सिंह चाचा की शादी का कार्ड आया है, उनका गांव बहुत सुंदर है, हम दावत में जरूर जाएंगे। नहीं आशीष, चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। सचिन की दादी अपनी नातिन की शादी में चली गई थी, वो लौट कर आई तो चुड़ैल ने उसे नोच नोच कर खा लिया। एक बूढ़ी औरत को नहीं छोड़ा तो वो जवान लोगों को क्या छोड़ेगी। बेकरीपुर गांव में अगर कोई बारात भी जाती तो बिना दावत खाए केवल बहू को लेकर वापस आ जाती। कुछ ही महीने पहले गांव में रश्मि नाम की एक नई बहू आई थी। आने वाले महीने में रश्मि के भाई की शादी थी। रश्मि अपने पति राहुल से भाई की शादी में जाने की जिद कर रही थी। राहुल, मैं अपने भाई की शादी में जरूर जाऊंगी और दावत भी जरूर खाऊंगी, मुझे किसी चुड़ैल का डर नहीं है। रश्मि पागलपन मत करो, सचिन की दादी को मरे अभी कुछ ही दिन हुए, क्या तुम भी चाहती हो कि चुड़ैल तुम्हारी बूटियां करके तुम्हें खाए? मैं उस चुड़ैल से नहीं डरती, तुम सब गांव वाले डरपोक हो। मैं तो शादी में जाऊंगी और दावत भी खाऊंगी, या तो तुम मेरे साथ चलो या मुझे अकेला जाने दो। पप्पू और उसकी पत्नी राहुल के चाचा चाची लगते थे। राहुल पप्पू के घर पहुंचा। चाचा, मेरी पत्नी को समझाओ, वो गांव के बाहर जाकर दावत खाने की जिद कर रही है। ये आजकल के लड़के लड़कियां कहां मानते हैं, आज हमारे चचेरे भाई की शादी है, आशीष भी शादी में जाने की जिद कर रहा है। पप्पू और राहुल बात ही कर रहे थे कि तभी पप्पू की पत्नी गीता वहां पहुंची। आशीष बिना बताए दावत में चला गया। हे भगवान, सत्यानाश हो इस लड़के का। राहुल तुम जरा मेरे साथ चलो, आशीष की जान खतरे में है। पप्पू और राहुल आशीष को ढूंढने गए। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, लेकिन उन्हें आशीष नहीं मिला। उधर आशीष दावत खाकर मजे से रात में लौट रहा था। आज मैंने पहली बार दावत खाई, बहुत मजा आया, लगता है मैंने ज्यादा पूड़ियां खा ली हैं, लैट्रिन लग रही है। आशीष शौच के लिए सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गांव वाले एक नंबर के डरपोक हैं, यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है। आशीष जिस